लालू प्रसाद यादव के सबसे भरोसेमंद नेता और आरजेडी की रीढ़ कहे जाने वाले नेता इन दिनों आज राजधानी पटना से निकल करके एक जिले में अथक मेहनत कर रहे हैं, लोगों की फरियादें सुन रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और लोगों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव करीब है और इंडिया गठबंधन जो है उसका एक आकार जो है बड़ा होता गया है, लेकिन ऐसे हालात में सभी पार्टियों में कुछ ऐसे ऐसे नेता हैं जो एक इलाके को पकड़ कर रखे हुए हैं और वो चाहते हैं कि वहां से वो चुनाव लड़े। उसी कड़ी में आते हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी। राष्ट्रीय जनता दल के सबसे सीनियर नेताओं में उनका शुमार किया जाता है और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी अब्दुल बारी सिद्दीकी पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती है। लेकिन पिछले दो लोकसभा चुनाव में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा, विधानसभा में भी वो बहुत थोड़े से फर्क से चुनाव हार गए, लेकिन किसी तरह की कोई चूक ना हो जाए, कोई कमी और कोताही ना रह जाए, इन सारे मामलों पर गौर करते हुए अब्दुल बारी सिद्दीकी पटना में कम और मधुबनी लोकसभा में ज़्यादा समय बिता रहे हैं। दरअसल मधुबनी और दरभंगा दो जगह से वो चुनाव लड़ चुके हैं। मधुबनी से जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो बहुत ही मामूली फर्क से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा, यानी जब वो पराजित हो गए उसके बाद 2019 में उन्होंने अपना सियासी ठिकाना ढूंढा दरभंगा। पार्टी ने उन्हें दरभंगा से उतारा मैदान में, लेकिन वहां पर भी उन्हें हार हाथ लगी और वो जीत नहीं सके। पार्लियामेंट जाने का सपना जो है उनका अधूरा रह गया। गोपाल जी ठाकुर वहां से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद हैं, लेकिन मधुबनी का जो मामला है, हुकुमदेव नारायण का एक बड़ा वर्चस्व वहां रहा है, लेकिन हुकुमदेव नारायण अपनी उम्र की वजह से अपने बेटे अशोक यादव को मैदान में उतारते हैं और वो आसानी से चुनाव जीत जाते हैं। दरअसल वहां पर सियासत इसलिए इधर से उधर हो गई क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में वीआईपी पार्टी ने अपना उम्मीदवार वहां उतार दिया और जब वहां वीआईपी का उम्मीदवार उतरा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए राहें आसान हो गई और अशोक यादव चुनाव जीत करके पार्लियामेंट पहुंच गए। लेकिन स्थिति और परिस्थिति बदलती गई और इस बार जो है अशोक यादव का जो मुकाबला है वो होने वाला है अब्दुल बारी सिद्दीकी से। अब्दुल बारी सिद्दीकी काफी समय से मधुबनी में डेरा डाले हुए हैं और वहां पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। तस्वीरें देखें कि किस तरह से हर इलाके में वो जाते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और लालू यादव के समर्थन की अपील कर रहे हैं कि आप राष्ट्रीय जनता दल के लालटेन के नीचे आ जाइए, लालू यादव तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत कीजिए। 2024 में जो चुनाव होना है उसमें भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से कैसे उखाड़ा जाए, इस पर रणनीति रोज सुबह और शाम अब्दुल बारी सिद्दीकी बना रहे हैं और भारी जन समर्थन भी उन्हें मिल रहा है। तो शायद ये उम्मीद की जा सकती है कि लालू प्रसाद यादव को सिद्दीकी पर ज्यादा यकीन है और सिद्दीकी को जनता पर ज्यादा उम्मीद है, लेकिन ये तो समय बताएगा। लेकिन जो तस्वीरें अभी सामने आई है उससे ये बात एकदम फाइनल और क्लियर हो गई है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जो सीट मांगी वो सीट आरजेडी ने दे दी। कहीं कोई जो है नाकर नोकर वाला मामला नहीं था कि हाँ भाई सीट आपको नहीं मिलेगी। सिद्दीकी सीनियर नेता है आरजेडी के और उनकी ही डिमांड पर एक सीट ऐसी है आरजेडी की जिस पर अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम लगभग फाइनल हो गया है और इसी फाइनल होने के बाद वो जनता के बीच घूम रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि पिछली बार जब चुनाव का परिणाम आया तो उस वक्त लोगों को उम्मीद थी कि आरजेडी को सीटें आएंगी, लेकिन एक भी सीट महागठबंधन को नहीं आई। सिर्फ एक वाहिद सीट बची थी किशनगंज की, जो अंडरस्टूड है कि भाई वहां से मुसलमान कोई ना कोई जीतता ही है। वहां पर कांग्रेस के जो थे डॉक्टर जावेद वो चुनाव जीत गए थे, लेकिन 39 की 39 सीटें एनडीए के खाते में चली गई थी। लेकिन इस बार तस्वीर बदली है, लालू और नीतीश एक साथ हैं और जो भारतीय जनता पार्टी है उनके साथ छोटी छोटी पार्टियां शामिल है। तो सिद्दीकी की जो राय है वो इस वक्त आसान नजर आ रही है, लेकिन उस आसानी को भी वो आसानी से हासिल नहीं करना चाहते हैं। लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी का एक बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है। तो लालू प्रसाद यादव ने लगभग मधुबनी में जो है अब्दुल बारी सिद्दीकी के नाम पर मुहर लगा दी है और वो इसको लेकर के मेहनत भी कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं और जब परिणाम आएगा तो देखा जाएगा कि अब्दुल बारी सिद्दीकी का ये ख्वाब, ये सपना पूरा हुआ कि नहीं, कि वो एक बार पार्लियामेंट जाना चाहते हैं। इसी कोशिश और इसी मिशन में वो इन दोनों मधुबनी के गाँव, गली और कस्बों में घूम रहे हैं।